हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और तुरंत अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। सिद्धार्थ शुक्ला के जाने के बाद शहनाज कौर गिल ब्रह्मा कुमारी के साथ बहुत ही ज्यादा जुड़ गई। ये हमें देखने को मिला जब शिवानी दीदी के साथ उनकी एक बातचीत की वीडियो आई थी। खैर, शहनाज सिद्धार्थ के बाद खुद को काफ़ी अच्छे से संभाले हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मानो सिद्धार्थ को वो इन दिनों बहुत ही ज़्यादा याद कर रही हूँ। और साथ ही साथ महीनों बाद ऐसा लग रहा है कि सिद्धार्थ पर अब बोलती ही चली जा रही हैं शहनाज। क्या है ये पूरी खबर बताते हैं आपको, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। शहनाज कौर गिल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ज़रिए हाल ही में एक फ़ोटो शेयर की जिसमें एक लाइट दिख रही है और साथ ही साथ लिखा हुआ है टॉकिंग टू गॉड, यानी कि भगवान से बातचीत। शहनाज गिल इससे पहले सोशल मीडिया पर अपनी एक बचपन की तस्वीर शेयर करते हुए ये भी कहती हुई नज़र आ चुकी हैं कि जब सब कुछ अच्छा अच्छा हुआ करता था, वंडरफुल हुआ करता था, कोई टेंशन ही नहीं होती थी, इस तरीके का एक पोस्ट उन्होंने शेयर किया था और अब वो ऐसा कुछ शेयर कर रही हैं। दोस्तों, इससे ये पता लग रहा है कि भले ही सिद्धार्थ शुक्ला 2 सितंबर को इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए हों, लेकिन शहनाज आज तक भी सिद्धार्थ को बहुत ज़्यादा मिस करती हैं। शहनाज सिद्धार्थ को बहुत याद करती हैं और फिर सिद्धार्थ को याद करके वो सब करती हुई नज़र आती हैं जो शायद सिद्धार्थ होते तो करते, खुद को काम करने के लिए, जैसे कि शहनाज ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी। फिर आप क्या कहना चाहेंगे इन सब पर, हमें नीचे कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय ज़रूर बताएं और इस तमाम अपडेट्स के लिए जुड़िए हमारे चैनल टीवी समाचार 24 के साथ। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी दबाएं।